हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस शीट नंबर आप 6 देख रहे हो, जो कि आपके ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज है। इससे पहले आपको शीट नंबर 1-5 का क्लास दिया जा चुका है। आप लोगों में से जो लोग नए होंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आकर आप क्लास को देख लेंगे। बिहार सचिवालय के लिए और भी काफ़ी सारा क्लास है, साइंस का क्लास भी दिया जा चुका है आप लोगों को ढेर सारा, उससे भी आप जरूर देख लेंगे। साइंस से 25 से लेकर के 30 के आसपास क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा इस बार के सचिवालय वाले एग्जाम में, इसीलिए साइंस पोर्शन को देखेंगे, जिसमें कि स्पेशल साइंस और प्लेटफॉर्म का जो साइंस स्पेशल है क्लास दिया जा चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भोटिया जनजाति जो है ये ऋतु प्रवास के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये जो है जनजाति के लोग नॉर्मली कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम के एरिया में रहते हैं। नागा के बारे में ध्यान रखेंगे कि नागालैंड में ये नॉर्मली रहते हैं, और भाला इनका जो है ना एक अस्त्र होता है जो पूछा जाता है एग्जाम में। नागा का जो नागा जनजाति के जो लोग रहते हैं उनका अगर अस्त्र पूछता है ना, आपको भाला बताना है, त्यौहार पूछेगा तो मिथन बताना होता है। मीना जनजाति के बारे में आपको ध्यान होगा कि राजस्थान में ये नॉर्मली रहते हैं, और यहाँ पे जो मुंडा जनजाति है ये नॉर्मली झारखंड, इसके अलावा आप देखिए जैसे बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, इन राज्यों में मुंडा जनजाति रहता है। सबके बारे में ध्यान रखना है आपको। नंबर सेकेंड है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। MC सीतलवार सही जवाब हो जाएगा। देखिए, 22वां विधि आयोग के बारे में ध्यान रख लीजिएगा कि 21 फरवरी 2020 को यह बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर थर्ड में, जनवरी 2022 में आइजोल जिले के एबॉक प्रखंड में स्थित कौन सा गांव मिजोरम का पहला ODF प्लस गांव बन गया? ODF का मतलब होता है जो खुले में शौच वगैरह के लिए लोग जाते थे, उससे मुक्ति मिल गया है। किस गाँव को? तो नंबर थर्ड का राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण मोबुआंग जो है ये ODF प्लस बन चुका है जनवरी 2022 में। आइजोल का ये जिला का प्रखंड में एक गांव है, ध्यान रखेंगे, एबॉक प्रखंड का एक यह गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि URL का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म इससे पूछा है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंबर फाइव है, किस सिख गुरु का मृत्यु जो है चेचक के कारण हो गया था? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, गुरु हरकिशन सही जवाब हो जाएगा। देखिए, गुरु नानक के बारे में ध्यान रखिएगा, सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु अंगद जो हैं ये सिख धर्म के प्रचार में अच्छा खासा योगदान दिए थे। गुरु मुखी लिपि का आविष्कार किए थे। गुरु अमरदास के बारे में ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है, इनके द्वारा लंगर प्रथा को अस्थाई बनाया गया था। गुरु रामदास के बारे में अगर पूछ लेगा, रामदास जो ऑप्शन नंबर डी है, ये अकबर के समकालीन रहे थे। अमृतसर जो शहर है इन्हीं के द्वारा बसाया गया था। गुरु गोविंद सिंह के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने किए थे। सिख में जो पाहुल प्रथा है इनकी शुरुआत की गई थी। सिख के अंतिम गुरु रहे थे। इन सब बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सिक्स में कि कौन यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? देखिए, सोनभद्र पहाड़ी नंदवंश आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निर्माण किसने करवाया था, ध्यान रखेंगे, उदयगिरी और खंडागिरी गुफा में राजा खारवेल सही जवाब हो जाएगा। संतरुजय और उर्जंत पहाड़ी भीम प्रथन या प्रथम गलत हो जाएगा, और चंद्रगिरी पहाड़ी चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो ये आपका ABC सही मैच किया हुआ है। नंबर सेवन में है कि 27 मार्च 2022 के मध्य विंग्स इंडिया 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? ऑप्शन सी राइट आंसर, हैदराबाद हो जाएगा सही जवाब। बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या न्यूनतम है? ऑप्शन ए राइट आंसर, शिवहर आपको ध्यान रख लेना है। शिवहर के बाद किशनगंज आता है, फिर शेखपुरा, फिर अरवल, फिर लखीसराय। अगर पूछेगा पांच सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, तो टॉप पे आपके गया, सेकेंड है पटना, थर्ड पे है समस्तीपुर, नंबर फोर्थ पे है मुजफ्फरपुर, और फिफ्थ पे आपका वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, बताइए कि बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने के बाद बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बन गया था, किसे बनाया गया था?
ऑप्शन नंबर सी सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 10 है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम या फिर शीश सिल्क जो वस्त्र होता था उसके उत्पादन का केंद्र है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे क्या टिक करना है, बी सही जवाब हो जाएगा, भागलपुर सही जवाब है। भारत में सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों के अभाव का उल्लेख मिलता है कहाँ पर। ऑप्शन ए राइट आंसर तुजुक ए बाबरी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12 में, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन रहे थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, बी एन राव बिल्कुल राइट आंसर है। सौर तालाब परियोजना कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर भुज, भुज यानी कि कहाँ पर है भुज, तो गुजरात में यहाँ पर सौर तालाब परियोजना स्थापित किया गया है। नंबर 14 बताइए, भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन हुआ था कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर वर्ष 1948 में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया था। किस शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर जहादार शाह आपको ध्यान रखना है, इनका जो कार्यकाल है ना 1712 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फर्रुक सिहार है इसके बारे में, जैसे 1713 से लेकर के 1719 तक का टाइम पीरियड रहा था। फिर आपका जैसे ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद शाह, इसका टाइम पीरियड था 1719 से लेकर के 1748 तक। अहमद शाह जो बहादुर है इसका अब्दाली जिसे आप कहते हो, इसका हो जाएगा 1748 से 54 तक इसका टाइम पीरियड रहा था। आर्जेटाइड किसका प्रमुख अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे नंबर 16 का बी हो जाएगा सही जवाब, चांदी का है। चांदी कहाँ पर पूछेगा तो कर्नाटक का जो आपका चित्रदुर्ग है, रायचूर है यहाँ पर मिलता है। आंध्र प्रदेश में पूछेगा तो कुरप्पा है, ये कुर्नूल है। राजस्थान में आप जानते हो चित्तौड़गढ़ है, जावर है। उत्तराखंड पूछेगा तो अल्मोड़ा है। देखिए सोना उत्पादन में आपको पता है ना कर्नाटक का जो कोलार है, रायचूर है, ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और झारखंड के जो स्वर्ण रेखा नदी, ये सारे फेमस हैं। ग्रेफाइट के बारे में ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है। आ जाइए नंबर 17 पर, मांग का नियम अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन ए किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव को मांग का नियम अभिव्यक्त करता है। 28 जून 2022 के मध्य में G7 राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर स्लॉस यानी कि एलमाओ में हुआ है, ध्यान रखेंगे। नंबर 19 है, अनुच्छेद एक संबंधित है किस चीज़ से। अनुच्छेद एक आपको ऑप्शन नंबर सी संघ का नाम और राज्य क्षेत्र सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद दो में आपको पता है नए राज्यों का प्रवेश कही या फिर स्थापना दिया गया है। अनुच्छेद तीन में नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या फिर नाम में परिवर्तन करने के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 13 में ध्यान रखेंगे मूल अधिकार से असंगत या फिर उनका कहिए कि अल्पीकरण करने वाली विधि होता है। आ जाइए नंबर 20 पे, शेर शाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या रहा था, बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब, 64:1 रहा था। गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है किस चीज़ का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए का ये प्रमुख स्रोत है। विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल होता है, जानते हो आप। स्रोत क्या क्या है इसका, तो जैसे दूध है, अंडा है, पनीर है, हरा साग होता है। विटामिन बी वन जैसे आप थायमिन के नाम से जानते हैं कहाँ से मिलता है, तो मूंगफली है, तिल है, सूखा मिर्च आपका होता है, सब्जी है। विटामिन सी आप जानते हो एस्कॉर्बिक एसिड जो है, यह आपका जो नींबू है, संतरा, नारंगी है, टमाटर कह सकते हैं, इन सबसे यह मिलता है। विटामिन के टमाटर हरी सब्जियां वगैरह से मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंटन शब्द किससे संबंधित है, तो कैंटन हो जाएगा चीनी समुद्री आपका बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नंबर 23 में है, विश्व की पहली फिशिंग कैट जनगणना का आयोजन निम्नलिखित में से किस झील में किया गया। ऑप्शन ए चिल्का झील जो कि आपके उड़ीसा में स्थित है। विश्व की पहली फिशिंग कैट जनगणना पूछेगा, ओडिशा का चिल्का झील में आयोजित किया गया है। नंबर 24 है, निम्नलिखित युग्म पर विचार करिए और यहाँ पे पूछा है आपसे कि कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित किया गया है। देखिए
महादेव पहाड़ी जो है ना आपका मध्य भारत में सही है, और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में आपका सही है। यह दोनों आपको बिल्कुल राइट आंसर दिखा हुआ। जैसे आपका यहाँ पे कोंकण तट है ना, कोंकण तट ये दक्षिण पश्चिम तट यानी कि महाराष्ट्र और गोवा के जो गोवा का जो रेखा है इसको दिया गया नाम है, ठीक है। कैमूर पहाड़ी यहाँ पे गलत हो जाएगा। और कोरोमंडल तट के बारे में ध्यान रखेंगे, भारत के दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया यह नाम है। यहाँ पे ऑप्शन तीसरा और चौथा सही है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे सी में दिया हुआ है। तीसरा और चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तनख्वाह समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर आपका बी, चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच करना जो है तनख्वाह समिति से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। JS समिति आपको ध्यान रखेंगे कि आपराधिक कानून में संशोधन पर गठित करने के लिए आपका दिया गया है, ठीक। कौन सा? JS समिति। वोहरा समिति अपराध और राजनीति के बीच में सांठगांठ की जांच करने के लिए वोहरा समिति 1993 में यह बना था। संयुक्त संसदीय समिति पूछेगा, जो कि चुनाव कानून में संशोधन के लिए 1971-72 में ये बनाया गया था। नंबर 26 है, खुजराहों के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर जो कि चतुर्भुज मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यशोवर्मन के द्वारा विष्णु मंदिर का ये, जिसे आप चतुर्भुज मंदिर के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा करवाया गया था। उरेयूर प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही जवाब, प्राचीन काल में सूती कपड़ा के व्यापार के लिए फेमस है। कौन सा जगह? उरेयूर आपका सही जवाब हो जाएगा। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करके सही कोट यहाँ पे सही आंसर क्या होगा इसे आपको मिलाना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, पतझर वन के लिए आपको राजस्थान जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जैसे कि कच्छ वनस्पति कहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सुंदरवन आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। शंकु वृक्ष आपको यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश है सही है, और उष्णकटिबंधीय वन के लिए आपको साइलेंट वैली, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी का वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में बताइए, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, केशवानंद भारती विवाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है ना 1973 ईस्वी में प्रस्तावना के विषय में कहा गया है कि यह संविधान की मूल आत्मा है और इसे आप बदल नहीं सकते हो किसी भी हाल में, ठीक है। बीरूबारी विवाद हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? 1960 में। इसमें प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है क्योंकि यह ना तो विधायिका की शक्ति है का स्रोत है और ना ही इन शक्तियों पर बैन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? काफ़ी बार आपको बताया जा चुका है, ये नागालैंड आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल दिया हुआ है, ठीक है। नागालैंड पेपरलेस बन चुका है। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम आपको बताना है कि कौन कौन सा युद्ध कब कब हुआ था, क्या यहाँ पे आप टिक करना चाहेंगे। जहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा आराम से आप क्लास को रोक लिया करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी अगर आपने सोचा तो बिल्कुल सही है। कि कैसे है देखिए, अंबर युद्ध जो है 1749 में लड़ा गया था। इसके बाद आइए पलासी युद्ध, पलासी कब हुआ था याद करिए 1757। फिर आ जाइए आप वांडीवास का युद्ध आपके 1760 में, और लास्ट में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था जो कि 1764 में लड़ा गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, नाइट्रोजन की उसमें कमी होती है। पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? ऑप्शन ए राइट आंसर, मद्रास के अधिवेशन में किया गया था। कांग्रेस का जो आपका 43वां वाला अधिवेशन हुआ था 1927 में मद्रास में, यहीं पर पूर्ण स्वराज स्वाधीनता की मांग की गई थी। अगर अध्यक्षता पूछ लेता इसके जगह पर तो डॉक्टर MN अंसारी के द्वारा ये किया गया था। कांग्रेस का 45वां अधिवेशन आपको जरूर ध्यान रखना है, कहाँ पर कब हुआ था? 1929 और लाहौर में किया गया था, पंडित जवाहरलाल
नेहरू रहे थे इसके अध्यक्ष। कांग्रेस का 41वां अधिवेशन यह आपका 1925 ईस्वी में कानपुर में किया गया था और अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था और यह प्रथम भारतीय महिला रही थी, ध्यान रख लेंगे। कांग्रेस का 46वां अधिवेशन पूछता है अगर तो 1931 में कराची में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो आपके पटेल साहब रहे थे, ठीक है, इन सबको आप ध्यान रखिएगा। इसी अधिवेशन में ना 46वां वाले अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग करी गई थी, ठीक है। देखिए आप लोगों को घटना चक्र का कांग्रेस टॉपिक करवा दिया गया है, आप लोगों में से जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, आपको पता रखना है कि कांग्रेस टॉपिक से 1 से 2 सवाल आपका बनकर आएगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो आप उसे ज़रूर देख लेंगे और एक क्लास को आप देखेंगे 100% यकीन मानिए, 99 रखिए क्योंकि 1% कुछ भी पॉसिबल सही नहीं कहना होता है। देखिए अगर आप कांग्रेस टॉपिक को देख लेंगे, कांग्रेस से एक भी सवाल नहीं छूटेगा, कौन सा अधिवेशन कहां पर हुआ था और किसके द्वारा किया गया था, काफ़ी अच्छे से घटना चक्र आप जानते हो कितना स्पेशल बुक है, तो आप उस क्लास को जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आइए नंबर के 34 में देखना है कि निम्नलिखित युगमों में से असत कथन की पहचान करिए, तो आपका बताइए क्या होगा सही जवाब, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आप देखने के साथ समझ गए होंगे, सातवाहन वंश जो आपका वासुदेव दिया हुआ ये आपका गलत हो जाएगा, सातवाहन आपको सिमुक टिक करना होता है, संस्थापक रहे थे, कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे, चंदेल वंश के नन्नुक रहे थे, गुर्जर प्रतिहार के वंश के जो संस्थापक थे हरिश्चंद्र रहे थे, परमार वंश के उपेंद्र थे, उत्पल वंश पूछता है अवंती वर्मन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सबको ध्यान रखेंगे। विश्व शौचालय दिवस मनाया कब जाता है बताइए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए लास्ट क्लास में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको एक बात बताया गया था, विश्व शौचालय दिवस जो है ना 19 नवंबर को मनाया जाता है, बट लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि जो पिछले वर्ष वाला जो लास्ट टाइम जो मनाया गया था विश्व शौचालय दिवस वो नवंबर में ना होकर के किसी और मंथ में मनाया गया था, अगर आपको ध्यान हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप क्लास को तो ध्यान से देखा करेंगे। देखिए स्वनिर्भर नारी योजना के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं, सबसे पहले कह रहा है 19 जुलाई 2022 को इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा जो कि असम के सीएम है इनके द्वारा किया गया। हाँ स्वनिर्भर नारी योजना के लिए यह सही है, यह योजना हथकरघा और कपड़ा विभाग की पहल है, यह भी सही है। इस योजना में हथकरघा बुनकरी से संबंधित 31 हस्तनिर्मित वस्तुओं को शामिल किया गया, यह भी आपका सही है, ऑप्शन डी आप यहां पे टिक कर देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 37 में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है, मतलब किसमें दिया गया है बताना है, तो ऑप्शन आपका देखिए जहां भी टाइम चाहिए होगा आप क्लास को रोक करके अपना जवाब जरूर सोचिएगा, ऑप्शन डी आपका 13, 32 और 226 बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है, ऑप्शन सी किशनगढ़ शैली राइट आंसर होगा, या ना 18वीं सदी में राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था, कौन सा किशनगढ़ शैली, वहीं पर ये विकास किया था, स्टार्ट हुआ था यहीं से। पटना पक्षी विहार किस जनपद में स्थित है, 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब एटा में आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ है जो काफ़ी फेमस है समझिए, जैसे आपका पूछेगा कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण कहाँ पर है तो आपको यहाँ पर उन्नाव बताना होता है और 1984 में इसकी स्थापना की गई थी नवाबगंज ध्यान रखेंगे। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर है तो आगरा में है, ध्यान रखेंगे सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 40 पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है, ऑप्शन सी चांदमल कुमावत सही जवाब हो जाएगा, बुक से भी आपका एक सवाल आएगा, क्लास आपको दिया जा चुका है लूसेंट ऑब्जेक्टिव का, उसे आप चाहें तो देख सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है बताइए। नोकरेक है, कोल्ड डिजर्ट है, डिब्रू आपका जो सिखोवा है यह भी है, बट जो आपका यहाँ पे लौका है ना यह नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो लौका बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल कहाँ पर है अगर पूछेगा तो चिली में आपको बताना होता है। नंबर 42 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 32 के तहत किया जाता है। 43 पे आइए, शाना लामुक नामक लोकगीत किस राज्य में प्रसिद्ध है। शाना लामुक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर का यह लोकगीत है। बिहू जानते हो आप ना, असम में मनाया जाता है। अगर पूछेगा जैसे दसकठिया होता है कहाँ पर, तो उड़ीसा में मनता है, शाखा मनता है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे नंबर 44 में सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करके बताना है कि कौन सा युद्ध कब खत्म हुआ था, किसी संधि के थ्रू हुआ था या फिर किसी के हारने पे हुआ था। तो ए का आपका प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है, आपको यहाँ पे एक्स लॉ सैपेल की संधि से यह अंत हुआ था। अगर ऑप्शन नंबर बी तृतीय कर्नाटक युद्ध पूछता है, तो आपको यहाँ पे नंबर फर्स्ट पेरिस की संधि से यह अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक जो आपका युद्ध है, यह आपका हो जाएगा डुप्ले की हार होने की वजह से, और प्रथम मैसूर युद्ध को आप ब्रिटिश की हार से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड टिक करेंगे। राइट आंसर यहाँ पे आप देख लीजिएगा, 1 सितंबर 2022 को भारतीय मूल के किस व्यक्ति को प्रसिद्ध कॉफ़ी ब्रांड स्टारबक्स का नया CEO नामित कर दिया गया, मतलब कौन बन गए। ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण नरसिम्हन सही जवाब हो जाएगा। अप्रैल 2022 में 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर VR को। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित इनमें से किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ये किया जाता है। अगर इसकी स्थापना पूछेगा 1952 में किया गया था। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, कौन करता है, तो देखने के साथ आप जरूर समझ गए होंगे, NSSO के द्वारा यह किया जाता है, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो कि आपका शॉर्ट में NSSO लिखाता है, इसी के द्वारा किया जाता है। मानव विकास सूचकांक पूछेगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के थ्रू होता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के थ्रू। मानव पूंजी सूचकांक ये एजेंसी अगर पूछेगा तो विश्व बैंक आपको बताना होता है संस्था है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है किस डेट को। ऑप्शन नंबर सी आपका 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगर कब से इसको मनाने की घोषणा की गई है तो 1993 से। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया था, तो ऑप्शन नंबर डी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में सही जवाब हो जाएगा। देखिए 1820 ईस्वी में ना इसको मद्रास में लागू कर दिया गया था, ध्यान रखेंगे कहाँ कब किया गया था, 1820 में मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर ऑप्शन नंबर बी घट जाता है। क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, बी ए बिल्कुल राइट आंसर है। अम्ल और क्षार में आपको पता है ना, अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है और क्षार स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल करने का काम करता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 53 में, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किस चीज़ के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, जल के वहन के लिए पादप में जाइलम जो है ये रिस्पॉन्सिबल यानी कि उत्तरदायी होता है। नंबर 54 में यहाँ पे दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध आपसे पूछा है, अगर आपको यहाँ पे टाइम चाहिए तो आप क्लास को रोक कर अपना राइट आंसर बता सकते हैं। देखिए आपको ना यहाँ पे ये R1 into R
बाय आर वन प्लस आर के फॉर्मूला पे सेट करना है, निकालेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ना 20/3 ओम सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी फसल का खेत सही जवाब हो जाएगा। वायुदाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सही जवाब बैरोमीटर कहलाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक ऑप्शन ए घट जाता है। यहाँ पे भी आप क्लास को चाहें तो रोक लीजिएगा, समझिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि आर वन और आर टू 200 वाट और 400 और 200 वाट के दो लैंपों के तंत्रों के प्रतिरोध हैं जो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो यहाँ पे क्या आप यूज करोगे, क्या बताएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी आर टू इक्वल टू टू आर वन आपका सही जवाब हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष पूछा है कितना के बराबर, तो ऑप्शन नंबर बी 9.46 इंटू 10^12 किलोमीटर होता है आपका एक प्रकाश वर्ष बराबर। ठीक है, देखिए प्रकाश वर्ष आप जानते हो ना खगोलीय दूरी मापने की इकाई होती है। अगर मीटर में पूछता है एक प्रकाश वर्ष बराबर मीटर में बताइए, 9.46 इंटू 10^15 आपको यहाँ पे बताना होता है। अगर एक पारसेक पूछेगा, एक मिनट रुक जाइए, चलिए देखिए यहाँ पे अगर एक पारसेक बराबर पूछता है कितना होता है, तो आप याद करने की कोशिश करिए कितना होता है, 3 × 3.08 × आपका हो जाएगा 10^16 होता है मीटर में, ध्यान रखेंगे। अगर प्रकाश की गति पूछता है मीटर पर सेकंड कितना होता है, तब आप क्या बताएंगे? यह सवाल पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, सवाल यहाँ से आता है प्रकाश की गति बराबर क्या बताओगे, तो 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 60 पे। निम्न में से बताइए किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? 60 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब। देखिए आपको पहले भी बहुत बार कहा जा चुका है साइंस में आपका 25 से लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन तो जरूर आएगा। ठीक है, साइंस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, देखिए साइंस का बहुत ही ज़्यादा सिलेबस नहीं है, थोड़ा सा है, बट उसे आपको ध्यान से करना पड़ेगा कंप्लीट। यहाँ पे समझिए, जैसे किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन कहिए ऑक्सीकरण या फिर जो अन्य जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है ना, वो ऐसे समझिए कि त्याग करने पर हाइड्रोजन या फिर विद्युत जो ऋणात्मक तत्व है ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही आप क्या कहते हो, अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट। अपचयन को ही एक और चीज़ कहा जाता है, अवकरण भी कहा जाता है। अगर अपचयन के बदले अवकरण आपका यहाँ पे रहता तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना था। नंबर 61 है, कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? ऑप्शन सी फुलेरीन्स आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है? ऑप्शन सी बेल धातु में नहीं पाया जाता है, पीतल जर्मन सिल्वर गन मेटल में पाया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। बेल धातु में अगर पूछेगा ना तो 90% तांबा और 10% टीन रहता है, इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें बेल धातु में बताना है कि गॉड पार्टिकल है। क्या होता है गॉड पार्टिकल? ऑप्शन बी हिग्स बोसान राइट आंसर। देखिए हिग्स बोसान एक मूल कण होता है, अगर पूछेगा 1964 में कहिए इसके बारे में बताया गया था, 64 में बताना है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस कंडीशन में आभासी और सीधा बनता है? 64 का राइट आंसर आपका क्या होगा? अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी है तो आप बिल्कुल सही हो। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य होता है तो क्या होता है? आभासी और सीधा बनेगा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब।
प्राकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रायः निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन बी 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 माइक्रोन बराबर, आप ध्यान रखिए, 1 माइक्रोन इक्वल टू अगर आपसे पूछा जाए 10^-6 मीटर आपका सही जवाब होगा। थायमिन बताना है कि क्या है इन सब में से, तो ऑप्शन नंबर आपका बी विटामिन B1 को आप थायमिन के नाम से जानते हो। ध्यान रखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बार बार आपको बताया जा रहा है, सवाल यहाँ से देखिएगा जरूर आएगा। विटामिन ए रेटिनॉल, B2 होता है राइबोफ्लेविन, विटामिन जो मतलब थर्ड होता है इसको आप निकोटेनिमाइड या फिर नियासिन के नाम से जानते हो, ठीक है। जैसे आपका विटामिन अगर के पूछता है तो फिलोक्विनोन होता है। विटामिन ई को आप टोकोफेरॉल के नाम से जानते हो। विटामिन B12 को आप शाइनो को बालमिन के नाम से जानते हो। विटामिन B9 को फॉलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विटामिन 7 पूछेगा कौन सा, तो बायोटीन होता है। बताइए निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? ऑप्शन नंबर C स्यूडोमोनास राइट आंसर होगा। स्यूडोमोनास जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से कौन सा रोग प्रदूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होती है? ऑप्शन ए न्यूमोनिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियस के बाहर DNA मिलता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म धारण करता है? ऑप्शन नंबर देखिए बोरोन तो करता है, सिलिकॉन भी करता है, जर्मेनियम भी करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपको डी दिया भी गया है, डी टिक करना है। देखेंगे बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है। इसके अलावा आपका जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक साथ ही साथ एंटीमनी आपका होता है, और फिर आपका जो पोलोनियम है, ठीक है, पोलोनियम है, ये सारे ना धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म धारण कर लेते हैं। इन्हें आप अर्ध धातु या फिर उपधातु के भी नाम से जानते हो। नंबर 71 है, एक यौगिक C60H22 के अणुभार होता है कितना? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर 1.4×10^-21 ग्राम आपका सही जवाब हो जाएगा। नंबर 72, जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित यानी कि बना हुआ जो दृष्टिकोण है इसको आप क्या नाम देंगे? तो ऑप्शन नंबर ए आणविक जातिवृत कहा जाता है, इसे आप याद रख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है बताइए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बताया जा चुका है। नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, कैसीन। निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी प्रदूषण की वजह से नहीं होता है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब, हेपेटाइटिस बी हो जाएगा सही जवाब। नंबर 75 में देखिए यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि 40 परमाणु भार वाले किसी तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 2 है, इस तत्व के लिए निम्न में से कौन सा वाक्य नहीं है बताना है? आपने ऑप्शन ए देख लिया, ऑप्शन बी देख लिया, इतना समझ लीजिए कि ऑप्शन ए और बी में आपका राइट आंसर नहीं दिख रहा था। सी और डी को देखिए, बताइए तो इसमें क्या कोई सही दिख रहा है आपको? अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल आप सही हो। इनमें ऑक्साइड का सूत्र यानी कि CaO2 है, यह जो है ना, यहाँ पे आपसे सही पूछा है गलत पूछा है, शायद गलत पूछा होगा, हाँ वाक्य क्या है सही नहीं है ना, तो ये वाला आपका सही नहीं है, हमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका सही नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर डी को, यह आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है, यह आपका सही है। नेक्स्ट है, इसमें 20 न्यूट्रॉन होते हैं, बिल्कुल यह भी आपका सही दिया हुआ है, और इस आवर्त सारणी के समूह से, यह आवर्त सारणी के समूह से भी संबंधित रखता है, यह भी आपका सही ही है। देखिए और थोड़ा सा इसके बारे में आप अगर जानना चाहें तो ऐसे समझिए कि कुछ कुछ बात जो है काफ़ी ज़्यादा है। यह द्वितीय वर्ग का तत्व होता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तृतीय आवर्त का तत्व है। इसके ऑक्साइड का सूत्र अगर पूछेगा क्या होता है, CaO, आपको यहाँ पे बताना होता है। और अगर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कैल्शियम के कुछ अगर यौगिक पूछेगा कौन कौन सा होता है तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले CaOH 2
बताना होता है, फिर आपको सी ए ओ सी एल बताना होता है, सी ए सी ओ थ्री आपको बताना होता है। ये सारे कैल्शियम के प्रमुख यौगिक हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपने बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट देखा। आशा करता हूँ कि आज का भी क्लास आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। नेक्स्ट क्लास बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए आएगा। सचिवालय का डेट आपको दिया जा चुका है, टाइम बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को अटेंड करिए। आप इस चैनल यानी कि अपने ABC एकेडमी पर अगर क्लास देख रहे हो तो भी, कहीं और भी देख रहे हो ऑफलाइन सेट लगा रहे हो तो भी, प्रॉपर वे में कोशिश करिए मिनिमम 1 से 2 सेट पर डे लगाने का, और एक प्रैक्टिस सेट का फुल डिस्कशन जो होता है उसे आप अच्छे से करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन देख सकते हैं। सक्सेस की अगर आपसे कोई पूछता है तो आपके लिए सबसे अच्छा ये जानना होगा कि एक प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन के साथ अच्छे से अगर आप देखोगे, आपके सचिवालय में एक सीट कंफर्म होने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।